सौभाग्य भी उसी को मिलता है, सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उसके काबिल बनाया है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूमे अभ्यास क्लास में। आज हम आपको आय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षा यूपी पैट, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी या एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, दो वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी है। माना पिता कितने का है, एक्स वर्ष का मान लिया हमने, और पुत्र वाई वर्ष का। पहली शर्त क्या है कि पिता की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, अर्थात एक्स माइनस वाई बराबर 24। दो वर्ष बाद पिता है, पुत्र की उम्र का दुगुना हो जाएगा, तो दो वर्ष बाद अर्थात एक्स प्लस दो बराबर वाई प्लस दो, लेकिन शर्त है कि दुगुना हो जाएगा तो इसका गुणा कर देंगे, एक्स प्लस दो बराबर दो वाई प्लस चार। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उनको एक साइड यानी एक्स माइनस दो वाई और चार माइनस दो यानी एक्स माइनस दो वाई बराबर कितना हो गया, दो। इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये फर्स्ट है, सभी गणित को दो को हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 24 और ये एक्स माइनस दो वाई बराबर दो। वेरिएबल एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए जो गुणांक बराबर होते हैं उसको ही कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखो ये कट गए और प्लस के दो वाई में से एक वाई घटाओगे तो कितना आएगा वाई, और 24 में से दो घटाओगे तो वाईस, यानी लड़के की उम्र कितनी आ गई, 22 वर्ष, और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की उम्र पुत्री की आयु की 3 गुनी है, पुत्री की आयु अब 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो उलझा हुआ प्रश्न है, बहुत आसान है, इस प्रश्न से भी आसान है, इसका देखो सॉल्यूशन देखते हैं। पिता की उम्र, माना पिता कितने वर्ष का है, एक्स वर्ष, माता बराबर वाई वर्ष। क्या कह रहे, जो पिता है माता से 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात एक्स माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा, और पुत्री की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, और दूसरी शर्त क्या है कि पुत्री की आयु की 3 गुनी है, कौन, माता, यानी वाई बराबर 3 गुणा में पुत्री कितनी है, 10 वर्ष की, 10 का गुणा कर दो कितना हो गया, वाई बराबर 30 वर्ष, यानी जो माता है वह कितनी है, 30 वर्ष की है। अब क्या कह रहा है कि जन्म के समय पिता की आयु, अब यहाँ पर रख देंगे वाई की वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, एक्स माइनस 30 बराबर 5, यानी एक्स बराबर 5, ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का, अर्थात एक्स बराबर कितना हो गया, 35 वर्ष, यानी इस समय जो पिता है वो कितने का है, 35 वर्ष का। और पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय, यानी पुत्री अब कितने की होगी, 10 वर्ष की, तो इसमें से 10 घटा दो, यानी 35 माइनस 10 बराबर 25 वर्ष, यानी जो पिता है वह है पुत्री के जन्म के समय कितने का था, 25 वर्ष का था, और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल मेरे द्वारा समझाया गया। इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे समझ लिया होगा, समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।